हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रंजीत हेयर केयर सलून। आज हम दिखाने वाले हैं नैनोप्लास्टी। नैनोप्लास्टी में सबसे पहले वॉश करते हैं, वॉश करना अच्छे से, देन हम अब प्रेसिंग शुरू करेंगे। ठीक है, प्रेसिंग बहुत ही अच्छे से करनी है। प्रेसिंग 90 डिग्री पे करनी है, स्टेप बाय स्टेप करनी है। ये देखिए प्रेसिंग, प्रेसिंग हम इसलिए अच्छी होती है जो भी हमने प्रोडक्ट लगाया अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। स्टोक बाय स्टोक बहुत अच्छे से करनी है। इस नैनोप्लास्टिक के बारे में अगर कोई आप अच्छे से जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपके लिए पूरी वीडियो बनाऊंगा नैनोप्लास्टिक पे। नैनोप्लास्टिक क्या है, क्या करता है बाल में, कौन सा ये सेकंड जनरेशन ट्रीटमेंट है। इसमें बाल अप टू 90% तक सीधे होते हैं। पहले हम कैरेटिन करते थे, कैरेटिन भी बहुत अच्छा है, मगर है कि कैरेटिन का ही एडवांस वर्जन है ये, सेकंड जनरेशन ट्रीटमेंट बोलते हैं इसे। ये क्या है कि गाइस, बाल को ना बोन को वीक नहीं करता है, बोन को स्ट्रॉन्ग करता है। जैसे रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग बोन वीक करते हैं, एज इट ये नहीं, बोन को स्ट्रॉन्ग करता है। देखो बहुत अच्छे से नियर बाई रूट्स 90 डिग्री। प्रेसिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। प्रेसिंग का रोल है कि अगर प्रेसिंग आपकी अच्छे से हो जाती है तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जैसे आप देख रहे हो मुझे, और गाइस ये देख लेना है कि क्लाइंट का हेयर कैसा है, उस पर उसी के हिसाब से हम टेम्परेचर सेट करते हैं। ये देखिए फाइनल रिजल्ट आपके सामने है, इतना स्मूथ सिल्की शाइन। ये हमने क्लाइंट का फाइनल वॉश वूश करने के बाद हमने सेमी ड्राई कराया, सुखाया है, उसके बाद का रिजल्ट है। अब देख लीजिए शाइन, स्मूथ सिल्की, बहुत ही अच्छा है गाइस। नैनोप्लास्टी आप करते हो तो आपके सलून क्लाइंट बहुत खुश होता है।